तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की डेली इंफ्रा न्यूज़। पीएम मोदी आज इनॉग्रेट कर दिए हैं कोलकाता मेट्रो रेलवे स्टेशन नोआपारा से दक्षिणेश्वर, और इसके साथ ही फ्लैग ऑफ कर दिए हैं फर्स्ट मेट्रो ट्रेन सर्विस इसी स्ट्रेच पे। और भी इंडियन रेलवेज की प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट किया गया है वेस्ट बंगाल में। इसके साथ ही बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को आज इनॉग्रेट कर दिया गया है हुगली में, और इसके साथ ही एक ऑयल एंड गैस सेक्टर प्रोजेक्ट्स को असम में इनॉग्रेट किया गया है। अगली रिपोर्ट भी इंडियन रेलवेज की तरफ से आ रही है, जहां पे 88 रेलवेज प्रोजेक्ट्स को केरला में पीयूष गोयल जी ने नेशंस को डेडिकेट कर दिया है, जिसकी टोटल वैल्यू 1000 करोड़ के पार है, जो इंडियन रेलवेज नेटवर्क को फ्यूचर रेडी करेगी। अगली रिपोर्ट आ रही है रियल्टी सेक्टर की तरफ से, जहां पे कोविड-19 की वजह से सुस्त पड़ी सेल को फिर से के शेप्ड रिकवरी किया गया है। अगली रिपोर्ट इंडियन रेलवेज की तरफ से आ रही है, जहां पे कश्मीर टूरिज्म को बढ़ाने के लिए ट्रेन सर्विसेज को फिर से चालू कर दिया गया है। 11 महीनों के बाद ये कोविड-19 के वजह से बंद था, जिसको फिर से चालू कर दिया गया है। अगली रिपोर्ट फिर से इंडियन रेलवेज की तरफ से आ रही है, जहां पे इंडियन रेलवे की इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए कर्नाटका में ट्रैक्स को डबल किया गया है। गुबी टू नीतूर के ट्रैक्स को डबल किया गया है। तो दोस्तों, यही थी आज की इंफ्रा न्यूज़। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और नीचे कमेंट करें आपको किस टाइप की इंफ्रास्ट्रक्चर की वीडियो आपको देखना है। मैं ज़रूर उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा आपके लिए।